जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं एक नया धमाका, खास करके एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सुपर 30 का ये क्लास देख लीजिएगा। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ है, एक एक सेकेंड देखना, हर टाइप से दो दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन उठाया हूं। इसके बाद आप चैप्टर नहीं भी पढ़िएगा, इसी को दो तीन बार देख लें तो पूरे चैप्टर को कवर होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दौड़ा दौड़ा के मारने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपके अंदर ऊर्जा भरने के लिए, आग लगाने के लिए, पढ़ने के लिए मजबूर कर देने के लिए मोटिवेशन लाइन को पढ़ते हैं जो आपको आपके अंदर आग लगा सकता है। देखिए सुपर 30 कंपाउंड इंटरेस्ट है, आज का मोटिवेशन पढ़ते हैं। कोई लक्ष्य जो आपके अंदर डर है उसको ये दूर भगाएगा। कोई लक्ष्य तुम्हारे संघर्ष से बड़ा नहीं है, दुनिया का कोई लक्ष्य तुम्हारे संघर्ष से बड़ा नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। जो घर से घर में बैठे हुए रह गया, लड़ा ही नहीं, संघर्ष ही नहीं किया, उसको तो पक्का हारना है। जीतना है तो संघर्ष लगातार करना होगा, और जीतना तो सबसे पहले खुद से ही है, क्योंकि सबसे कठिन काम खुद को ही हराना है। इसलिए बैठे नहीं रहिए और खुद को हराना सीखिए। खुद सोए हुए हैं तो उठाइए कि पढ़, तभी समाज में तेरा सम्मान होगा। तेरे माता पिता जो तुम्हारे लिए सपने बहा रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, उसे पूरा करने के लिए जान लगा दे, लेकिन जाने मत दो। माँ को कह दे कि माँ तेरे दूध का एक एक बूंद का कर्ज चुकाऊंगा, इस बार तो जान लगा के भी सिलेक्शन लाऊंगा। आइए देखते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए पहला धमाका, स्टार ही बनाता हूं। पहली बात तो ये है कि जो विद्यार्थी हमसे एसआईसीआई असाइनमेंट से पहले पढ़ लिए हैं वो तो पढ़ के एकदम गदगद हो जाएंगे, क्योंकि उनका संपूर्ण रिवाइज होने वाला है। जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हुए, मेरे असाइनमेंट से एसआईसीआई नहीं पढ़े हैं और उनके दिमाग में गलतफहमी है कि भैया सीआई तो बड़ा हार्ड होता है, वो पहले गलतफहमी को हटाएं, माइंड में जो कूड़ा करकट है रॉन्ग नंबर को हटाएं। यदि आप सोच रहे हैं कि सब जैसे पढ़ाता है वैसे ही मिलेगा तो गलत फहमी है, उसको हटा दीजिए। यहां आपको नए तरीके से मिलेगा, ठेठ में मिलेगा, बिल्कुल देसी अंदाज में तुलना करेंगे और गुना करेंगे। सीआई का एक भी क्वेश्चन आपके सामने आंख नहीं उठाएगा, इसे देखने के बाद थर थर कांपेगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख लो पहला क्वेश्चन ही धमाकेदार है, सेकेंडो में निपटाते हैं। 800 रुपया पर, तो 800 रुपया मूलधन है। और एसआई में भी मैंने बताया आपको कि साधारण ब्याज हो तो उसकी गणना मूलधन पर किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तो मूलधन पर ही किया जाता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का डिफिनेशन होता है ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, और प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। क्लियर है? तो यहां पे आ जाइए 800 रुपया पर, तो 800 रुपया तो मूलधन ही है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 800 की तुलना कितना से होना चाहिए? 100 से, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100%, कोई भी राशि अपने आप में 100%, आप भी 100%, हम भी 100% परिपूर्ण है। तो 800 मूलधन है, मूलधन की तुलना 100 से, बोला 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। कम से कम 5-10 मिनट टाइम निकाल के तो आप 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अलग छोटा सा वीडियो बनाए हैं, कितना परसेंट रहे उड़ा दीजिएगा। अभी तो हम बताइए करेंगे, यदि समय है तो जरूर देखिए। 3 वर्ष का, 1.5 वर्ष का, 2.5 वर्ष का, सभी का निकालना मैंने सिखा दिया है। 2 वर्ष का एसआई बड़ा ही आसान होता है। 2 वर्ष का एसआई जो होता है, सॉरी सीआई, एसआई तो सीधे आर गुने टी होता है, सीआई जो होता है 2R+R² / 100 होता है, 2R+R² / 100। अब आर कितनों परसेंट रहे, 2 वर्ष का जो सीआई होता है 2R+R² / 100, और मैक्सिमम मैक्सिमम 70-80% में सीआई 2 वर्ष का पूछे, 3 वर्ष का पूछे, 4 वर्ष का पूछे, 5%-10% आता है, उसके अलावा भी रहेगा। तो 2 वर्ष का निकालना बिल्कुल आसान है, वैसे तो मैं 15-20 तक निकालना सिखा ही चुका हूं। 2R+R² / 100, तो बोले सर 5% और 2 वर्ष है तो इसका तो ऐसी याद है कि 10.25 होगा, 10.25, 5% जब भी आता है मैं लिखाता हूं कि इसका सभी वर्ष का, 1 वर्ष का तो सीआई 5 होगा क्योंकि प्रथम वर्ष का एसआई सीआई सेम होता है, 2 वर्ष का कितना होगा तो 2 वर्ष का 10.25, नहीं तो आप 5×10 और 5² / 100 करके देखिए। 3 वर्ष का तो बोले सर 3 वर्ष का होता है 15.7625,
और चार वर्ष का, तो चार वर्ष का होता है 21.55। माइंड में सेट कर लीजिए, घोल कर पी जाइए, क्योंकि 70-80% क्वेश्चन 5-10% का बनाता है। और मैं तो आपको सिखाऊंगा तो सिखाऊंगा। 5% वार्षिक दर से एक वर्ष का तो 5 ही होगा, 2 वर्ष का 10.25, 3 वर्ष का 15.7625, 4 वर्ष का 21.55। अभी इतना समय हम काहे ले लिए, इसको तो चुटकियों में उड़ा सकते हैं। 800 रुपया पर तो 800 मूलधन हो गया, मूलधन की तुलना 100 से, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10.25। यही तो रेशियो का कमाल है, मूलधन की तुलना मूलधन से, ब्याज निकालना ब्याज से, दुसुना दुसुना गुना कर दीजिए। 8×5=40 के जीरो बचा 4, 8×2=16, 4×20 के जीरो बचा 2, 8×10=80, 2×82 2 अंक के बाद 0.82 हो गया। दशमलव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से कैलकुलेशन करिए, जय अंक के बाद है वो बैठेगा। 82 रुपया हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। बताएं तो चुटकियों में, लेकिन मेरा मकसद है आपको सिखाना सिखाना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 82 रुपया हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए अगला धमाका। देखिए आ ही गया, एक एक टाइप का दो दो तीन तीन क्वेश्चन उठाए हैं जी, और कोई ऐसा टाइप ही नहीं जो छोड़े हैं। देखिए 16,000 रुपया यहाँ एक धनराशि है, तुरंत इसकी तुलना 100 से करेंगे, नो डाउट। 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का सीआई निकालना है, कई परसेंट, 20% वार्षिक दर से कई वर्ष का, 2 वर्ष का। बोले सर अभी तो आप बोले कि नहीं हो याद है, तो 2R+R² / 100 करिए ना, 2R माने 20×2=40, 20² = 400/100, 40 और 4 = 44। वाह, 2 वर्ष का सीआई 20% वार्षिक दर से 44, मूलधन की तुलना 100 से गुना 44, इससे भी चुटकियों में बनेगा, 2×2=0, गुना करो 0, 16×64 के 4 बचा 6, 16×64 और 6×70, हम लोग का आंसर हो गया टका टक चक्रवृद्धि ब्याज 70-40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए अगला स्टार, जितना भी एक से एक सुपर स्टार क्वेश्चन ही है। 15% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहां पे फंसे कि सर 3 वर्ष का कैसे निकाले, क्योंकि 15% वार्षिक दे दिया है, और 3 वर्ष का निकालना तो 10% तक आप सिखा चुके हैं, तो 10% तक तो सबको याद ही होगा, इसलिए तो हम 15% डाल दिए। कोई बात नहीं है, 1,000 है, इसकी तुलना 100 से करेंगे, इसमें नो डाउट हमें चाहिए सीआई, लेकिन 15%, तो 5% का तो बता ही चुके 3 वर्ष का, 10% का भी आप पढ़े ही होंगे, 15% का हम कैसे निकालें, कितनों वर्ष का रहे 3 वर्ष का, मतलब कितनों परसेंट रहे 3 वर्ष का। सीआई का फार्मूला थोड़ा बड़ा होता है, क्या 3R+3R² / 100 होता है, प्लस R³/10,000 होता है, चूंकि ब्याज का ब्याज होता है। तो इतना लंबा चौड़ा सिर्फ इसको माइंड में छापिए फॉर्मूला को, बाकी इतना याद नहीं रखना है, हर बार करना नहीं है। मैंने आपको ट्रिकली लिस्ट बताया है छोटा छोटा वीडियो में, 2 वर्ष का 3 वर्ष का 2.5 वर्ष का 1.5 वर्ष का, वो सब जरूर मौका निकाल के देखिए, फिर तो तुलना गुना ही करना रहेगा ना। तो 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का निकालना है, तो इधर से चलिए, बटा में 10,000 है तो निश्चित है 4 सुनना है, तो 4 अंक के बाद 0.2 होगा। अब हमें तो याद है, लेकिन आपको निकालना कैसे, नहीं याद रहे तो 15% वार्षिक दर से तो 15 के क्यूब करेंगे, 15³=33 होता है, 75 हो गया, बचा 33, 2 अंक लिखना है, कई अंक, 2 अंक, बचा 33। अब 15 के स्क्वायर होता है 225, 225 = 675, 675 और बचा कितना 33, 675, 675 में 33 जोड़िए तो 708 होगा। आप जोड़ के देखिए 708 होगा, तो उसको 08 लिखिएगा, बच जाएगा 7, उसके बाद 15 + 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52.0875। ये हो गया 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज। आप सोचिए सर फॉर्मूला पर बैठा देंगे, नहीं आएगा, फंस जाइएगा कैलकुलेशन करते करते। हालांकि ब्याज निकालना है तो कैलकुलेशन तो यहां भी करना ही पड़ेगा, लेकिन यहां आंसर तुरंत आ जाएगा, मूलधन की तुलना 100 से, 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, तो 52.0875। काटिए 2×0=10 से गुना होगा तो सिर्फ 0.1 अंक दाएं जाएगा, 520.875, यही हम लोग का आंसर होगा। देख लीजिए 520.875 दिया है, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ इसी के वजह से थोड़ा सा लेंदी होता है, जिसके वजह से हम सीआई को बदनाम करते हैं कि सीआई बहुत हार्ड है, खुद भी नहीं पढ़ते हैं, दूसरा के दिमाग में रॉन्ग नंबर डाल देते हैं। जबकि सीआई जो बच्चा जो बंदा हमारे असाइनमेंट से पढ़ लिया, उस सीआई उसके सामने थर थर कांपेगा, इसकी गारंटी मैंने इतना सिलसिलेवार ढंग से पढ़ाया है। और मात्र 10% में कैलकुलेशन रहता है, बाकी तो चुटकियों में उड़ेगा। आगे आप देखिए तो लास्ट तक आप देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करें
रहे कि कितना मजा आता है सीआई पढ़ने में। तो यहां पे हम लोग का ब्याज हो गया 520.875, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सुपरस्टार क्वेश्चन। फिर से 4000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यहां भी चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है। देखिए चुटकियों में उड़ाते हैं, 4000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, 5% और 3 वर्ष का, अभी पीछे बताए थे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष का, 3 वर्ष का होता है 15.7625, माइंड में सेट कर लीजिए। 5% और 10% तो एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए, 15.7625। अब क्या है, आप काट दीजिए, काटिए, कैलकुलेशन करिए, आंसर आएगा 2 शून्य से 2 शून्य। तो आइए फटाफट अब गुना कर लेंगे हम लोग, सिंपल है, 4 से गुना करना कोई बड़ा बात तो है नहीं। एक तो ये 0 दे दिए, उसके बाद 4 से पढ़ दीजिए, 4 5 20 के 0 बचा 2, 4 2 8 10 के 0 बचा 1, 4 6 24 1 25 के 5 बचा कितना, तो बोले सर 25 के 5 बचा 2, 4 7 28 और 2 30 के 0 बचा 3, 15 6 60 और 3 63, कहीं के बाद 4 अंक 1 2 3 4 अंक के बाद 0.,  यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 630.5 या 630.50। कमाल है, ऑप्शन मिला ही ऑप्शन नंबर डी, बस तुलना की और गुना की, कैलकुलेशन से डरना क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सुपर स्टार क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम लोग डरते क्या है, छमाही और तिमाही से, तो दिक्कत क्या है, अनपढ़ आदमी को भी थोड़ा सा समझा दिया जाए तो समझ जाएगा कि वार्षिक बोले तो प्रतिवर्ष संयोजन होता है, छमाही बोल दे तो 6-6 महीना को 1 वर्ष मान लिया जाता है, तिमाही बोल दे तो 3-3 महीना का 1 वर्ष मान लिया जाता है। अब छमाही बोल दे तो 1 वर्ष के बदले 2 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष के बदले 4 वर्ष, यानी छमाही मतलब समय दुगना, दर आधा। जैसे वार्षिक 10% था, छमाही कर दे तो 5-5% बन गया। छमाही मतलब समय दुगना, दर आधा। तिमाही मतलब समय चौगुना, क्योंकि 3-3 महीना के 4 वर्ष बन जाएगा एक साल में, तो समय चौगुना, दर 1/4। आगे आएगा क्वेश्चन, देखते हैं यहां पे, पहले छमाही। पंकज ने 1 वर्ष के लिए 10% है 1 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रतिशत की ब्याज दर पर 1500 रुपये निवेश किया, यदि ब्याज प्रत्येक 6 माहों में चक्रवृद्धि है तो पंकज को 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी। मतलब यह नहीं बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज होगा, क्या होगा, कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्रधन, लेकिन यहां बोल रहा है प्रत्येक 6 माह में, यानी 6 माही संयोजित हो रहा है, तो दर हो जाएगा आधा, क्योंकि 10% वार्षिक है, 1 वर्ष में 10 तो 6 महीना में 5%, दर आधा, समय हो जाएगा दुगना, 1 वर्ष के 2 वर्ष, क्योंकि 6-6 महीना को ही आप 1-1 वर्ष मान लिए, 6 माही का मतलब यही होता है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का 10.25, तो अब माइंड में सेट हो गया होगा। अब आ जाइए, 15000 मूलधन है, मूलधन की तुलना 100 से, अब यदि पूछता सिर्फ कि सीआई क्या है तो 10.25, लेकिन कितना हो जाएगा, मतलब आपसे मिश्रधन पूछ रहा है, तो मूलधन तो अपने आप में 100 रहवे करता, उसमें ब्याज जुट जाएगा, तो 110.25। अब कैलकुलेशन तो आप इजी वे में कर सकते हैं, चाहे तो आप जैसे चाहे काट ले, चाहे तो आप पहले ही 2 पॉइंटे को काट ले, 2 शून्य से, और 50 से 50 150 250 200, 2 से इसको काट लें, 2 से 2 5 10 बचा 1, फिर 2 5 10, फिर हम लोग का कितना बच गया, तो बोले सर गुना तो करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, दशमलव में आ जाएगा, 55 2 110 हो ही गया, फिर 2 से 2 1 2 2 2 4.5, अब इसको क्या करो, 3 से गुना कर दो, गुना करो, यहां पर आंसर ले आओ। आप जैसे भी चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये नहीं कि दशमलव आ गए तो डर गए, डरना क्या है, लड़ना है, उसको तोड़ना है, धुआं धुआं कर देना है, 3 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ आंसर कमेंट करना है, सिर्फ 3 से गुना करने के लिए छोड़ा, ये भी नहीं करोगे तो फिर पढ़ना ही बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका और सुपर स्टार धमाका, क्यों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि मूलधन ही दिया रहे और मिश्रधन या ब्याज पूछे, हो सकता है मिश्रधन दिया रहे मूलधन पूछे, ब्याज दिया रहे मूलधन पूछे, लेकिन हम लोग तो एक ही रेशियो का नियम जानते हैं, जो दिया हुआ उससे तुलना, मतलब नीचे रखो, जो ज्ञात करना उसे गुना करो, इससे ज्यादा नियम तो हम लोग सीखे नहीं, आए इसी नियम पर तो पूरा अर्थमेटिक को औकात दिखा दिया और एडवांस को भी तोड़ के धुआं धुआं किए हैं। देख लीजिए, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4%, पहली बात तो 2 वर्ष है, 4% 2 वर्ष का सीआई तुरंत माइंड में आ गया, कि चूंकि सीआई तो होता है भाई 2 वर्ष का 2R+R² / 100, 4 × 2 = 8, 4² = 16/100, यानी 8.16, इतना तो माइंड में सेट होगा। अब बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 हो जाती है, तो ये 1352 हो जाती है, हो जाएगी, मतलब ये क्या है, मिश्रधन है, तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, कौन सी धन राशि, मतलब आपसे पूछ रहा है मूलधन, तो बोले सर मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से, 1352 की तुलना
मूलधन अपने आप में 100% होता है, ब्याज है 8.16, तो इसकी तुलना 108.16 से मूलधन निकालना है 100 से, कौन सी धनराशि निकल जाएगा, काटिए फटाफट। तो काटते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, काटिए, पॉइंट काटेंगे 2 0 और ऊपर जाएगा, आप चाहें तो काट सकते हैं, कई बार में तो 13 से 8 बार में आप काट सकते हैं। बोले कैसे सर, 13 8 104 होता है, होता है 13 8 104। तो बोले सर इसको भी तो हम करेंगे 8 बार गुना, तो 52 8 फिर 416 हो ही नहीं जाएगा जी, यानी हम कहें तो इससे ही 8 बार में कट गया, नो डाउट, आराम से काट दीजिए, 8 2 16 8 5 40 41 1 और 8 3 24 और 4 28 और फिर 8 1 8 2 10 क्लियर, 8 से कट गया। आप काट देते हैं 25 4 100 2 4 8 2 से 50 2 100 25 5 125 और इस पर 1 0, यानी मूलधन या मूल राशि जो होगा 1250 होगा, कुछ नहीं किया है, मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूलधन निकालना है 100 से, सीख गए होंगे। बोले ना कि जो सुपर 30 दे रहे हैं ना, इसी को 2-3 बार जो बंदा बना लेगा उसके लिए सीआई कुछ नहीं है, और इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खास करके जिस लेवल का पूछा जा रहा है उसी लेवल का क्वेश्चन मैं लाया हूं। बस रेगुलर आप सभी का सहयोग लाइक कमेंट के रूप में बने रहना चाहिए, लाइक करना भूल जाते हैं लाइक कर दीजिए, और धड़ाधड़ शेयर करिए, क्योंकि मैं वादा किया हूं कि 100 के जिस दिन पूरा हुआ डिजिटल सेटअप लाइव क्लास दूंगा, आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं, मैं भी रेगुलर लगा हुआ हूं, ताबड़तोड़ क्लास चाहिए तो अधिक से अधिक बच्चे को जरूर से जरूर शेयर करें। तो यहां पे हम लोग का आंसर हो गया 1250 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आ गया सुपरस्टार। मैंने आपको बोला था ना कि कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मूलधन दिया रहे ब्याज और मिश्रधन पूछे, हो सकता है मिश्रधन दिया रहे मूलधन पूछे या ब्याज दिया रहे मूलधन पूछे, तुलना गुना करेंगे। देखिए कुछ धन 5% 3 वर्ष के लिए लगाया गया, यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो, आप संयोजित शब्द का प्रयोग किया है तो सीआई नहीं भी लिखा है, तो आपको समझना होगा कि जहां पे संयोजित शब्द का प्रयोग किया है समझिए कि उस सीआई है, तो प्रति वर्ष यानी वार्षिक संयोजित है, तो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का तो याद हो गया होगा 15.7625 सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। यदि कुल ब्याज, लो यहां पे ब्याज दिया हुआ है 25-22 है तो अभिकलित है, तो मूलधन क्या है, तो बोलिए सर यहां ब्याज है तो ब्याज की तुलना ब्याज से करेंगे, मूलधन निकालना है, तो ब्याज कितना दिया हुआ है तो 2522, यहां ब्याज कितना लाए हैं तो 15.7625, ब्याज की तुलना ब्याज से, ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है सबसे। अब हो सकता है कैलकुलेशन आपको देखने में थोड़ा लेंदी लगे, लेकिन करना क्या है, काटना है, कैलकुलेशन तो लेंदी पूछ सकता है उसका अधिकार है, लेकिन हम लोग भी इतना धार को तेज रखेंगे कि काट के धुआं धुआं कर देंगे, उड़ा देंगे, काटिए 25 से तो कन्फर्म है 4 बार में, 25 से ही भी कटिए रहा है, 25 से कितना बार में कटेगा, तब बोलिए सर 25 6 150 तो होगा ही होगा, होगा ना, 7 बच जाएगा 7 पर 6 तो 25 3 75 1 बच गया तो 12 हो जाएगा तो 0 बार और फिर 25 5 125 क्लियर हुआ। और भी काट देते हैं, 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 20 5 100 5 से 12 5 60 बच गया 3 6 5 30 5 1 5। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, मजा आ गया, 12 2 24 61 2 122 2522 यानी 2 बार में कट गया, 2 4 8 2 16 कितना, 2 4 8 8 2 16 और कितना बच गया हम लोग का, तो बोलिए कि सर यहाँ पे चूंकि यहाँ पे जो पॉइंट काटे हैं ना तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यही हम लोग गलती कर रहे थे और आंसर नहीं आ पा रहा था, फिर से 2 4 8 8 2 16 कर दिया, उसके बाद 1 0 2 0 यानी 16000 होगा। बोले सर काहे वहां पे 100 आव दिए, क्योंकि भैया यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 0 ना होगा जी, इसमें हम 100 ना दिए थे, 100 आव ना पड़ेगा, तो 100 तो कट ही गया, 100 क्लियर बच गया, या तो हम 1 पर 4 0 देते तो 2 0 कटता, क्लियर है, टकाटक हम लोग का आंसर हो गया कितना 16000, ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर सी, ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला धमाका, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मूलधन दिया रहे मिश्रधन पूछे, मिश्रधन दिया रहे मूलधन पूछे, ब्याज दिया रहे मूलधन पूछे, हो सकता है कि 2 वर्षों के SICI का अंतर दिया रहे और मूलधन पूछ दे, या मूलधन दिया रहे अंतर पूछ दे, कमाल का क्वेश्चन आ गया। 2 वर्षों के बाद 5% है, 2 वर्षों के बाद एक मूल राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 35 है, तो यह मूल राशि क्या है, वाह
चुटकियों में बनने वाला क्वेश्चन मूलधन पूछ रहा है। बोलिए सर यहाँ 35 रुपया जो SICI का अंतर है, इसका दो तरीका। एक तरीका तो हम सभी जानते हैं कि SI होता है 2R और CI होता है 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100। तो ये दोनों का अंतर करेंगे तो 2R कट जाएगा। दोनों का मतलब दो वर्ष का कितना मूलधन रहे, दो वर्ष के SICI का अंतर हमेशा R स्क्वायर बटा 100% होता है। R स्क्वायर बटा 100%, दो वर्ष के SICI का अंतर R स्क्वायर बटा 100%। तो यहाँ 5% वार्षिक दर से दो वर्ष का अंतर, 5 के स्क्वायर बटा 100 यानी 0.25। सीधे पॉइंट बैठा देना दो अंक के बाद, और क्या। यहाँ अंतर दे रहा 35, यहाँ अंतर 0.25, अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से, अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से। और वैसे भी आप सोचिए ना कि 5% वार्षिक दर से दो वर्ष का SI तो सीधा दर गुना समय होता है, इसलिए 5 × 10 और CI 10.25, तो अंतर 0.25 का ना हो गया। ऐसे माइंड में सेट रहेगा कि दो वर्षों के SICI का अंतर R स्क्वायर बटा 100% होता है, जहां R दर होता है। तो यहां सीधे 35 की तुलना 0.25 से, 5% देखे माइंड में 0.25 क्लिक करके 35 की तुलना 0.25 से मूलधन निकालना है 100 से। पॉइंट निकालिए 100, 25 चौका 100, 35 चौका 140, आइए वाला 2 को 0 बैठा दिए, टकाटक आंसर हो गया 14,000। 14,000 ऑप्शन मिला, लो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए अगला स्टार। इसको स्टार क्या, सुपर डुपर स्टार कह सकते हैं। देखिए, किसी निश्चित राशि पर दो वर्ष में 8% के दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो बोले सर तो वही क्वेश्चन है, कमाल कर दिया आप भी। दो वर्ष 8% अंतर कितना हो जाएगा SICI का। तो बोले सर आप ही तो बताएं कि SICI का अंतर स्क्वायर बटा 100 होता है, 8 के स्क्वायर 64 बटा 100, 0.64। ये माइंड में रखना है, लिखना कोई जरूरी नहीं, आपको सिखाना इसलिए मैं लिख रहा हूं। और यहां पे अंतर दिया हुआ है निश्चित रूप में 2.56 रुपया। अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से। दो अंक के बाद दशमलव, दो अंक के बाद दशमलव खत्म। 64 से 4 बार में 256 कटेगा, 4 × 100 = 400, मूलधन हो गया 400। राशि का पता लगाए यानी 400, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला धमाका आपके लिए ऑफर रह गया, क्योंकि दो क्वेश्चन बता दिए हैं, यहां भी अंतर ही दिया हुआ है SICI का। अंतर की तुलना अंतर से व धनराशि निकालना है 100 से। देखते हैं कौन कौन बाजी मारता है, सभी को धड़ाधड़ कमेंट करना है, सभी आंसर कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए मजेदार सुपर स्टार। आज तक आप सीख नहीं पाए होंगे इस प्रकार से, जैसा ट्रिक मैं आपको और ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए, आप फॉर्मूला में ही फंस जाते हैं, झूठ मूठ गलत फहमी में रहते हैं कि CI बहुत हार्ड है, सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी इधर देखिए कितना मजा है। कोई जरूरी नहीं है कि अंतर दिया रहे मूलधन ही पूछे, हो सकता है मूलधन भी दिया रहे, अंतर भी दिया रहे और ब्याज का दर पूछ दे। कमाल का क्वेश्चन लाया हूं। 10,000 रुपये पर दो वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर क्या है। बोले सर आप तो अंतर दिया हुआ है मूलधन निकालना सिखा दिए, मूलधन दिया हुआ अंतर भी निकालेंगे तुलना गुना करके, लेकिन आप दर कैसे निकालें। तो कमाल की बात करते हो आप जी, कितना अच्छा से अभी ना हम आपको सिखाएं कि दो वर्ष का SI तथा CI का अंतर क्या होता है। तो बोले सर R स्क्वायर बटा 100% होता है, क्योंकि 2R होता है SI, SI दो वर्ष का होता है 2R, CI होता है 2R प्लस R स्क्वायर बटा 100, तो घटाएंगे तो 2R कटिए जाएगा, तो R स्क्वायर बटा 100% जहां R दर है, मतलब दो वर्ष के SICI का अंतर R स्क्वायर बटा 100% होता है। तो किसका R स्क्वायर बटा 100%, मूलधन का। तो मूलधन का R स्क्वायर बटा 100% बराबर अंतर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अंतर बराबर होता है मूलधन का आर स्क्वायर बटा 100%। तो मूलधन का आर स्क्वायर बटा 100%, अब अंतर दिया हुआ है 25 रुपया, हमने क्वेश्चन ही करा है 25 रुपया, और मूलधन दिया हुआ है तो मूलधन का मान रख देंगे, मूलधन है 10,000, 10,000 का आर स्क्वायर बटा 100% भी साथ में लिखेंगे बराबर 25। कमाल है, 100 से 200 खत्म है, परसेंट से भी 200 खत्म, क्योंकि परसेंट काटेंगे तो नीचे जाएगा ना जी। अब उधर बच गया आर स्क्वायर का मान कितना, 25। अब तो बच्चा बता देगा कि सर आर स्क्वायर का मान 25, तो आर का मान 5, यानी ब्याज की दर 5%, यानी कुछ नहीं करना था, केवल मूलधन का आर स्क्वायर बटा 100% करना था, जीरो काटना था, परसेंट काटना था, उसके बाद रूट कर दीजिए, 5% हम लोग का ब्याज का दर हुआ, लाइफ में कभी नहीं भूलना है, ए नंबर ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट आ जाइए अगला, तो और कमाल का क्वेश्चन है। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर,
तो बताओ राशि क्या है? बोले सर अभी तो 2 वर्ष तक का निकल रहा था, यहाँ 3 वर्ष आ गया, वो भी 10% आ गया, तो थोड़ा एक चर्चा और कर दूं कि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष तक का आपको याद रखना है, क्योंकि 4 वर्ष जब भी पूछा गया है या तो 5 या तो 10, 5 वाला तो मैं पीछे बता चुका हूं, एकदम रट जाना है। सी आई याद रखना है, एक वर्ष का तो सी आई एस आई दोनों सेम ही होता है तो 10 से होगा, 2 वर्ष का 2R+R² / 100 करिए तो 21 होगा, 3 वर्ष का करिएगा तो होगा 33.1 और 4 वर्ष का करिएगा 10% वार्षिक दर से तो 46.41 भी आई है, एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। 2 1 वर्ष का 10%, 1 वर्ष का तो सब वही होता है SICI, 2 वर्ष का 21, 10% वार्षिक दर से, 3 वर्ष का 33.1, 4 वर्ष का 46.41। देखिए कमाल का क्वेश्चन है, कराए 3 वर्ष के 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के SICI में अंतर कितना का है? 15.50। यहाँ 3 वर्ष, चूंकि 3 वर्ष का SI तो 10 दिया 30 हो जाएगा और CI है 33.1, तो अंतर 3.1 का, तो अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से, अंतर की तुलना अंतर से मूलधन निकालना है 100 से, काट देते हैं 0 बैठा देंगे पॉइंट 2 अंक के बाद, ये 0 0 तो ऐसे भी खत्म, 31 5 155, 5 × 100 500 कितना हो जाएगा? 500। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 500, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाकेदार सुपर स्टार ट्रिपल स्टार मैं इसको लगा दिया हूं। हालांकि यदि आप CI पढ़िएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो पहला टाइप की शुरुआत ही मैंने यहां से किया है। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में क्रमशः मतलब शुरू वाला साधारण ब्याज हो गया, चूंकि साधारण ब्याज बोला किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 2 वर्ष में, मतलब SI और CI कई वर्ष का है? 2 वर्ष में क्रमशः, मतलब SI 500 है और CI है 520, तो बोल रहा है क्या वार्षिक ब्याज की दर क्या है? दर बराबर भाट। बड़ा ही स्थिर से समझिएगा, एक बार सीख गए तो दूसरे को सिखा सकते हैं। यहां दर कैसे निकालें? तो एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए कि प्रथम वर्ष का SI और CI हमेशा बराबर होता है। बोले काहे सर? काहे कि पहला वर्ष का दोनों के लिए तो मूलधन सेम ही होता है, इसलिए SI CI बराबर। लेकिन जैसे ही दूसरा वर्ष एंट्री मारिएगा तो SI तो सेम रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज होता ही है प्रत्येक वर्ष बराबर, लेकिन CI जो होगा ब्याज तो होगा प्लस जो ब्याज बढ़ा हुआ है ब्याज का भी ब्याज होगा। मतलब कि यदि 5% है तो मूलधन का 5% होगा, जो ब्याज बढ़ा हुआ उसका भी 5%, तो जो अधिक होगा ना वो पीछे वाला ब्याज का ब्याज होगा। यानी आप कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष का CI बराबर SI से R% अधिक होगा। बिल्कुल आपने लैंग्वेज में समझाया है मैंने। पहला पॉइंट कि प्रथम वर्ष का SI CI दोनों तो समान रहेगा, आप चाहे तो नोट्स भी करते चल सकते हैं, लेकिन दूसरे वर्ष का जो CI होगा वो SI से R% अधिक होगा। किससे? SI से R%। तो SI प्रथम वर्ष का SI, चूंकि प्रत्येक वर्ष का तो SI सेम ही होता है। जैसे देखिए ये 2 वर्ष का है कितना? 500, तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा? तो बोले सर 1 वर्ष का SI 250 होगा। यदि SI ही रहता तो प्रथम वर्ष 250, दूसरा वर्ष भी 250, 500। लेकिन CI के कारण प्रथम वर्ष तो 250 बढ़ा, लेकिन दूसरा वर्ष 250 बढ़ा और साथ ही साथ 250 का 8% और बढ़ गया होगा ब्याज का ब्याज, तो कितना बढ़ा? 20 बढ़ा। तो ये जो 20 बढ़ा होगा वो किससे बढ़ा होगा? तो ये 250 से, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का CI नीचे रखेंगे और जितना अधिक है ऊपर, क्योंकि यहां लिख दिए कि दूसरे वर्ष का CI SI से 8% अधिक, तो जितना अधिक है उसको ऊपर, SI को नीचे, अधिक वाला को ऊपर, SI को नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। इससे हॉट ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता, कमाल का ट्रिक है, कुछ नहीं। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में SI कईयों वर्ष का रहे, क्योंकि SI कईयों वर्ष का रहेगा तो एक वर्ष का आप निकाल लीजिएगा, लेकिन CI 2 वर्ष का रहेगा। तो SI 2 वर्ष का 500 है तो 1 वर्ष का 250। तो मैंने अभी क्या बताया कि प्रथम वर्ष का SI CI दोनों से, लेकिन दूसरे वर्ष का CI SI से अधिक होगा 8%, तो 500 × 520 हो गया, 20 बढ़ गया, तो जो बढ़ा होगा वो 1 वर्ष के SI का 8% होगा। तो 1 वर्ष का SI यानी 2 वर्ष का 500, तो 1 वर्ष का 250 नीचे, जितना अधिक है ऊपर, परसेंट निकालना है 100 से, दर निकल जाएगा, काट दो।
काटेंगे तो कट जाएगा 100 से 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8% इससे हॉट ट्रिक क्या हो सकता है, मजा आ गया होगा। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन और है, क्लियर। तो यहां पर हम लोग 8% ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का सुपरस्टार क्वेश्चन, सेम हूबहू, मतलब नहीं भी सीखना चाहिए तो सिखा देंगे। एक बात और ध्यान रखिए, देखिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा, वो भी एकदम कंटिन्यूअसली लगातार आपको देना पड़ेगा, रेगुलरली आपको देना पड़ेगा, तभी एक वीडियो में आप चैप्टर को कवर कर सकते हैं। क्योंकि 10 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पा रहा था, छोटा चैप्टर कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने सुपर 20 सुपर 30 किया, जिसमें छोटा में कवर होगा उसमें 10 दूंगा, लेकिन मेन मकसद आपको सिखाना, आपको फायदा पहुंचाना है। तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है, किसी धनराशि के किसी दी गई दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का SI कितना है 900, जबकि CI कितना है 954। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है, पूरा बढ़िया से आप क्वेश्चन को रीड करिए। किसी धनराशि के दी गई दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, ये वार्षिक संयोजित लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वार्षिक यहाँ 900 है साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 954, तो वह धनराशि क्या है। बोले सर ये तो धनराशि पूछ दिया, चूंकि आप यहाँ फंस सकते थे, लेकिन इसलिए मैंने धनराशि वाला क्वेश्चन लिख ही दिया, लेकिन यहाँ भी पहले दर निकालना पड़ेगा। तो बोलिए सर ये तो 2 वर्ष का ना कहानी है, तो 1 वर्ष का तो SI कोई भी निकालेगा, 2 वर्ष का 900 तो 1 वर्ष का 450, 450, 450, 900, लेकिन यहाँ 54 ज्यादा हो गया, तो दर क्या होगा, तो जो अधिक है ऊपर 1 वर्ष का SI 450, नीचे परसेंट निकालना है 100 से। डायरेक्ट दर भी पूछेगा इस क्वेश्चन में, 100 से 100, 9 6 54, 9 5 45, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12% दर पूछेगा भाई, 12% आंसर मार के आ जाना, लेकिन पूछ रहा है मूलधन। तो बोले सर जब मूलधन पूछ रहा है तब तो पहला टाइप में भी पढ़े हैं कि ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से, लेकिन जब साधारण ब्याज है तो चक्रवृद्धि लेकर क्या चलना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 450, आप 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 12 ही होगा, तो साधारण ब्याज की तुलना साधारण ब्याज से मूलधन निकालना है 100 से। आप चाहें तो 2 वर्ष का ब्याज लेकर चल सकते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2R+R² / 100 करके दशमलव में निकालिए, फिर तुलना करिए, गुना करिए, आंसर तो उतने लाना है, तो चालाकी बताएंगे ना, 1 वर्ष का 450 साधारण ब्याज है क्योंकि 2 वर्ष का 900 है, अब 12% वार्षिक दर से चूंकि समय गुना दर होता है तो 12 से तुलना कर दिए, 100 से गुना, काट छाट के आंसर मिला लेना है, टकाटक आ जाएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए अगला धमाका, इसको बोल सकते हैं सुपर स्टार धमाका, मजा तो अब आएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी दर पर वह स्वयं की 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। कमाल का क्वेश्चन लाया हूं, 15 वर्षों में स्वयं की दुगनी, उसी दर से वह स्वयं की 8 गुनी, कई गुनी 8 गुनी। तो बोलिए सर स्वयं की 8 गुनी, एकदम हाउ ट्रिक बताता हूं, ज्यादा फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। CI में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी हो जाए, कै गुनी k गुनी, तो n गुना t वर्षों में k/t गुनी हो जाता है। कमाल का ट्रिक है, कभी नहीं भूलिएगा, एकदम चुटकियों में बिना लिखे आंसर दे दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज के किसी दर से 15% स्वयं की दुगनी, उसी दर से वह 8 गुनी कितने वर्षों में। तो बोलिए कि सर 15 वर्षों में कई गुनी 2 गुनी, आप बोल रहे हैं 8 गुनी कई वर्षों में। तो देखिए तो क्या लिखा है कि n वर्षों में कोई राशि k गुनी हो जाए, तो n गुना t वर्षों में k/t गुनी हो जाता है, मतलब समय में जितना गुना होता है गुनी में उतना पावर होता है, समय में जितना गुना होता है गुनी में उतना पावर होता है। तो 15 वर्ष में दुगनी को बनाना है 8 गुनी, दुगनी को 8 गुनी बनाने के लिए कितना पावर। तो बोले सर 2/3 दीजिए 8 हो जाएगा, तो इधर 3 पावर, तो इधर 3 गुना, आंसर हो गया 45 वर्ष। इससे और ट्रिक क्या हो सकता है। फिर से CI में चक्रवृद्धि ब्याज में कोई धनराशि n वर्षों में k गुनी, तो n गुना t वर्षों में k/t गुनी, ठेठ में अपने लैंग्वेज में माइंड में सेट करना है, तो जितना समय में गुना होगा गुनी में उतना पावर। तो 15 वर्ष में दुगनी, और दुगनी को बनाना है 8 गुनी, तो 2 को 8 बनाने के लिए पावर 3, तो समय में गुना 3, 15 = 45 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए स्टार क्वेश्चन, और पूछे जाने की अति संभावना है, छपने की एग्जाम में छपने की अति संभावना है। एक बच्चा कॉल करके भी बताया कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, सर आपके असाइनमेंट से दुगना तिगना वाला
पढ़े थे, लेकिन उससे मिसधन पूछा जा रहा है। तो सेम क्वेश्चन मैं लाया हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि, मतलब मूलधन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12,000 रुपया, 12,000 है धनराशि, 5 वर्ष में दुगनी, तो 20 वर्ष के बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो पहले यह पता लगा लेते हैं कि जो धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है वो 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो बोलिए सर 5 वर्षों में दुगनी, तो बोल रहा है 20 वर्षों में, तो आप ही तो बताए थे कि एन वर्ष में के गुनी, तो जितना हम समय में गुना करेंगे उतना पावर डालेंगे गुना में, तो वहां तो 8 गुना करना था, तो हम पहले इधर पावर डाले थे। यहां दिया हुआ है कि 20 वर्ष के बाद कितना, तो 5 वर्ष में दुगनी, आप 5 वर्ष को 20 वर्ष बनाना है, तो 4 से गुना, तो 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पावर 4 होगा, यानी हम कह सकते हैं कि 20 वर्षों में आपको 2 पर पावर 4 16 गुनी, तो 16 गुनी होगा, तो किसका 16 गुनी होगा। तो बोले सर मूलधन का, जैसे दुगनी होता है तो मूलधन का, तिगुनी होता है मूलधन का, तो 20 वर्ष के बाद 16 गुनी होगा मूलधन का, तो वही पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, मतलब मिसधन। तो पहले तो मायने में पता लगा लेंगे कि ओ 5 वर्ष में दुगनी, तो 20 5 को बनाना है तो 5 को 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 पर पावर 4 16 गुनी, इतना तो मायने में आ जाएगा। अब आराम से हम 16 गुनी कर देंगे, 12,000 का 16 गुनी करेंगे, 12 गुना 16 192 होता है, हम लोग का आंसर हो गया 192,000, 192,000 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, और मजेदार, मतलब असली मजा तो अब है, अब आपको निकालना होगा दर और समय, बड़ा ही मजेदार मजेदार क्वेश्चन, जैसे ही लास्ट तक देखेंगे ना, जितना अंतिम तक देखते जाएगा आपको मजा आएगा, मजेदार मजेदार टॉपिक रखे हैं और सभी इंपॉर्टेंट हैं। कतई जहर बोल सकते हैं, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन, कई वर्षों में तो समय तो दे दिए, 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का मतलब खुद का 25/16 गुना हो जाएगा, खुद का, तो स्वयं मतलब हो गया क्या मूलधन, स्वयं मतलब मूलधन, आ हो जाएगा मतलब मिश्रधन। तो यहां पे रेशियो का कमाल देखो क्या है, 25/16 गुना स्वयं का, तो रेशियो में मैंने क्या बताया था कि जिसमें का अथवा से लगा रहे बुहार और दूसर का अंश, तो बोला स्वयं का, तो स्वयं का मतलब स्वयं हो गया 16, यानी मूलधन 16 और मिसधन 25, मूलधन 16 और मिसधन 25, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाएगा, किसी नहीं बोलना चाहिए, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब यहां पर दर बराबर भाट, तो एक बात गांठ बांध लीजिए, एसआई में तो दर निकालना है तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना समय, समय निकालना है तो ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुना दर, लेकिन सीआई उससे भी आसान है दर और समय निकालना। सीआई में एक के पॉइंट याद रखिएगा, जब भी दर समय निकालना हो तो मूलधन मिसधन का रेशियो चाहिए, मूलधन अनुपात मिसधन जो मिल गया है, और यह घटना हुआ है कई वर्ष में 2 वर्ष में, तो यहां 2 वर्ष के मूलधन मिसधन का रेशियो है 16:25, तो 1 वर्ष के मूलधन मिसधन का रेशियो हो जाएगा, चूंकि मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज क्या गुना के रूप में बढ़ता है, पावर के रूप में बढ़ता है, तो यहां पर 2 वर्ष में 16:25 है, तो निश्चित है ये 4 के स्क्वायर है जी, आई 5 के स्क्वायर है, इसकी गारंटी है कि 99.99% प्रश्नों में यदि 2 वर्ष रहेगा तो स्क्वायर के रूप में बैठेगा, 3 वर्ष रहेगा तो पावर 3, 4 वर्ष रहेगा तो पावर 4, ठीक है ना। तो यहां पर चूंकि 2 वर्ष है तो स्क्वायर के रूप में बैठा हुआ है, तो 1 वर्ष का स्क्वायर हट जाएगा, 4:5 हो जाएगा, अब 4 मूलधन हो गया, 5 मिसधन, 1 वर्ष का तो एसआईसीआई सेम ही होता है, तो डायरेक्ट यहां से दर निकाल देंगे, कितना बढ़ा 1, कितना से बढ़ा 4% निकालना है 100 से, 25 चौका 100, यानी कि ब्याज की दर 25%, इससे आसान क्या हो सकता है, इससे शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है। फिर से कभी भी सीआई में दर निकालना हो मूलधन मिसधन का रेशियो लिखिए 16:25, ये 2 वर्ष का घटना है तो 1 वर्ष, चूंकि 2 वर्ष है तो स्क्वायर है, 1 वर्ष उसका रूट हो जाएगा 4:5, 1 बढ़ा मूलधन नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, यही दर है, ज्यादा तितमा करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग मैथ को मैथ समझ के पढ़ते हैं ना, यही दिक्कत है, मैथ क्या है डेली यूज का चीज है, इसमें घुस के इस पे हमला करिए और दौड़ा दौड़ा के मारिए, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए, असली मजा तो और आगे आने वाला, एकदम स्टार स्टार सुपर स्टार, फिर से उसी प्रकार का, किस वार्षिक दर से, तो बोलिए सर फिर तो वही बात है दर बराबर वाट, 1500 रुपया 2 वर्ष में समय दे दिया, 2 वर्ष जैसे दिया तो माइंड में आया स्क्वायर के रूप में बैठेगा, 1500 रुपया 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो बोलिए सर आप ही तो बोले हैं कि मूलधन मिसधन का रेशियो चाहिए, तो मूलधन तो है 1500 और सी आई दिया हुआ है, हम मिसधन नहीं है, सी आई है 449.40, तो आपको तो मिसधन चाहिए, मूलधन और मिसधन का रेशियो
तो बोले कौन नहीं जानता है कि मूलधन में ही ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ दिया जाए तो मिश्रधन हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 1500 और 400 यानी 1949.40। लेकिन हमें तो रेशियो चाहिए, कट रहा है तो काटेंगे, पॉइंट काटेंगे, इधर 2 शून्य आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और काटते हैं हम लोग, ये तो कंफर्म है कि 3 से तो कट रहा है, 3 से काटेंगे तो 3000 बार में ये कटेगा, 5 से 15 3 से ही भी काटते हैं, 6 से 18 क्लियर, 1 बच गया तो 3 से काटेंगे, 4 से 12 ठीक है, 2 बच गया तो 9 से 27 2 बच गया 8 से 24 बोले सर और कट रहा है 2 से, ये आ रहा है 2500 और ये 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 32 दूनी 64 ठीक है, और 49 दूनी 98 अब नहीं कटेगा। तो ये घटना है 2 वर्ष का है, तो माइंड में फिट रखिए, स्क्वायर के रूप में बैठेगा, ये तो कंफर्म है कि 50 के स्क्वायर है, तो ये कितना का स्क्वायर है, तो अंतिम में 49 से 7 का स्क्वायर होता है, तो निश्चित है ये जो है 57 का स्क्वायर है, हालांकि 50 के आसपास स्क्वायर करना हम सिखाएं आपको, अब इतना तो ध्यान रखना होगा। तो ये 2 वर्ष का घटना है, तो बोले सर ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, सीधे हम 50:57 लिख देते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना आ गया तो बस अब चल दीजिए। कैसे, तो कितना बढ़ा, 7 ऊपर मूलधन, 50 नीचे, परसेंट निकालना है 100 से, 50 दूनी 100 7 दूनी 14% तो कितना जटिल करेगा और कहां ले जाएगा, सभी से रूबरू मैं आपको करवाऊंगा ताकि एग्जाम में आपके सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए क्वेश्चन, क्लियर है, आप मजबूर कभी नहीं होइएगा, बस लगातार हमारे साथ बने रहिए, जिनके पास समय है उनका मैथ तो मैं गदगद कर ही दूंगा, और जो पहले से जुड़े उनका तो ऑलरेडी मैथ गदगद होगा। तो निश्चित है यहाँ पे हम लोग कह गए 14% ऑप्शन नंबर सी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार का अगला सुपर स्टार क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ दर ही पूछे, समय भी पूछ सकता है, कितने समय में, मतलब टी बराबर वाट, 10% वार्षिक दर से, यानी दर दिया हुआ, हालांकि इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, चुटकियों में आंसर मारेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये का मिश्रधन 24-20 हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि एसआई में दर निकालना है तो फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, सीआई में, एसआई में समय भी निकालना है तो फॉर्मूला, लेकिन सीआई में एक ही चीज इस्तेमाल करना है, दर निकालना हो या समय, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, मूलधन मिश्रधन का रेशियो, मूलधन मिश्रधन का रेशियो, मूलधन चाहिए मिश्रधन चाहिए, टकाटक आंसर आएगा, मूलधन 2000 मिश्रधन 24-20, 100 से 100, 2 से 100 बार में, 200 से 121 बार में, दर से यहां पर तो लेना देना भी नहीं है, ये 10 का स्क्वायर बैठ गया, ये 11 के स्क्वायर बैठ गया, आंसर 2 वर्ष मार के निकल जाओ, क्यूब बैठ गया, आंसर 3 वर्ष मार के निकल जाओ, और स्क्वायर क्यूब भी 99% क्वेश्चन में बैठेगा, क्लियर है, निश्चित है वो बैठेगा, स्क्वायर क्यूब भी बैठेगा, स्क्वायर में बैठ गया 2 वर्ष, क्यूब में बैठ गया 3 वर्ष, सीआई में समय निकालना एकदम लॉलीपॉप है, तो यहां पर स्क्वायर में बैठ गया 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर हो गया कितना ए। लेकिन इसी क्वेश्चन में, चूंकि वार्षिक है, इसी क्वेश्चन में बोल देता कि यदि अर्धवार्षिक हो, यदि अर्धवार्षिक हो, तो अब आपके दिमाग में बैठा हुआ अक्सर अर्धवार्षिक में तो समय दुगना होता है, तो 2 को हम 4 वर्ष कर देंगे, गलत, ये महा गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रहता है तो समय दुगना करने के बाद मिश्रधन प्राप्त होता है, यहां मिश्रधन प्राप्त होल है, तो ये समझिए बाद में पूछ रहा है, तो इस स्थिति में समय को आधा करना होगा, यानी हो जाएगा 1 वर्ष, ठीक है, यदि अर्धवार्षिक संयोजित बोलता तो समय 1 वर्ष, लेकिन सीधा सीधी बोल रहा है तो जितना पावर बैठेगा वही हम लोग का आंसर, ठीक है, स्क्वायर तो 2 वर्ष, क्यूब तो 3 वर्ष, तो यहां पे हम लोग का वार्षिक ही बोल दिया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहां पे हम लोग का आंसर हो गया 2 वर्ष। आगे और क्वेश्चन मिलेगा, नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन, तो आप भी उड़ा सकते हैं, 3200 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 672 हो जाएगा। बोले सर समय पूछ रहा है, दर देल है 10%, हमें मेनली रूप से मूलधन मिश्रधन का रेशियो चाहिए, मूलधन तो 3200 मिल गया, मिश्रधन क्या है, तो मिश्रधन तो नहीं है लेकिन ब्याज दिया हुआ है, सीआई दिया हुआ है 672, तो बोले सर दिक्कत क्या है, 3200 + 6 = 3872 हो जाएगा। अब कमाल करते हैं, काट दीजिए, 4 से तो कट ही रहा है 800 बार में, 4 से तो कट ही रहा है, 9 चौका 36 और बचा कितना 2 बच गया तो 2 बच गया 27 तो कितना हो जाएगा, 4 से 6 चौका 24 फिर 8 चौका 32 4 से और कट रहा है, 4 से काटेंगे ये 200 बार में, 200 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 1 बच गया 4 चौका 16
चार दुनिया, बोलिए और कट रहा है सर, काट दीजिए, 100 बार में 121 बार में, निश्चित है स्क्वायर के रूप में बैठ गया, आंसर 2 वर्ष मार के निकल जाइए, कई वर्ष 2 वर्ष काटते जाइए ना, निश्चित है स्क्वायर या क्यूब के रूप में बैठेगा, तो 2 वर्ष हम लोग का आंसर हो गया 2 वर्ष, ओ सॉरी यहाँ पे 121 हो जाएगा ना, 120 गलती से, ये 10 का स्क्वायर हो गया और ये 11 का स्क्वायर हो गया, क्लियर है, तो अब तो पता चल ही गया 2 वर्ष, ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए मैं छमाही वाला में भी समय निकालने के लिए दे ही दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कितने समय में टी बराबर वाट 20% वार्षिक दर से 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक दर से 13/31 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति छमाही, बोले सर 1000 13/31 दोनों क्यूब के रूप में बैठ रहा है तो आंसर 3 वर्ष होना चाहिए, ऐसे लिखना है तो लिख दीजिए, लेकिन जो देख के ही बन जाए तो क्या दिक्कत है, 13/31, बोले सर ये 10 का क्यूब है आइए 11 का क्यूब है, हमें दर से क्या लेना है, टी हो गया 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष यहाँ आंसर नहीं होगा, बोलिए क्यों, 3 वर्ष तब होता जब बोलता कि वार्षिक, यदि वार्षिक होता तो आंसर 3 वर्ष, लेकिन बोल रहा है छमाही, तो बोले सर छमाही में तो हम मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन भी दिया हुआ, मूलधन मिश्रधन दोनों दिया हुआ है, तो मिश्रधन तब ना निकाले होंगे जब छमाही में हम समय को दुगना किए होंगे, तो मेन समय निकालना है तो जो 3 वर्ष आया उसको आधा करेंगे, क्योंकि तो 3 वर्ष आया होगा दुगना करने के बाद है ना, चूंकि आप मूलधन भी दिया हुआ मिश्रधन भी दिया हुआ, तो मिश्रधन ऐसे तो निकाले नहीं होंगे, तो बोले सर फिर क्या करेंगे, आधा कर देंगे, यानी हो जाएगा 3/2 डेढ़ वर्ष, तो अब आप छमाही भी दे देगा तो नहीं फंसिएगा, सीधा यदि वार्षिक रहे तो स्क्वायर है 2 वर्ष, क्यूब है 3 वर्ष, पावर 4 है 4 वर्ष, लेकिन छमाही दे दे तो जितना पावर रहे उसका आधा समय कर देना है, यानी डेढ़ वर्ष, डेढ़ वर्ष रहेगा तब ना छमाही होने के बाद दुगना 3 वर्ष होगा, तो यहां पर डेढ़ वर्ष ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कमाल का क्वेश्चन है, देखिए अब और मजा आएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके नजरों से बहुत बार गुजरा नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत लंबा में समझते होंगे और हो सकता है समझते भी नहीं होंगे, लेकिन आज तो हम समझा के ही छोड़ेंगे, देखिए हॉट ट्रिक बता रहा हूं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 और 4 वर्षों के बाद 6750, तो वह धनराशि क्या है, यहां पर हॉट ट्रिक आग लगाउल ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या स्पेशल नोट भी मैं लिखाया था SICI के समय, यदि समान समय अंतराल में कोई मूलधन पी का 2 मिश्रधन A1 तथा A2 हो तो मूलधन, एकदम गांठ बांध लीजिए इसको, मूलधन यानी पी बराबर होगा A1 के स्क्वायर बटा A2, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि समान समय अंतराल में 2 मिश्रधन दिया रहे तो मूलधन होता है A1 के स्क्वायर बटा A2, यानी पहला मूलधन मिश्रधन के स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन, पहला मिश्रधन के स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन, आपने असाइनमेंट से 6-7 क्वेश्चन एक टाइप में मैंने ऐसा दिया है तो देख लीजिए, तुरंत उड़ा दीजिएगा, बोलिए कि सर यहाँ पी मूलधन मान लेते हैं और 2 वर्षों में यह धनराशि हो जाती है, मतलब 2 वर्ष का पहला मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो बोले सर 4500 और 4 वर्षों में, तो यहां से ना 4 वर्ष जी, यहां से 4 वर्ष था, यहां से 2 वर्ष ना हुआ, क्योंकि सीआई में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन अगला वर्ष के लिए मूलधन का काम करता है, ब्याज का ब्याज, तो देखिए तो 2 वर्ष यहां से 4 वर्ष, तो यहां से 2 वर्ष, तो समान समय अंतराल में अब कितना हो रहा है 6750। तो देखिए क्या लिखा है, यदि समान समय अंतराल में कोई मूलधन पी 2 मिश्रधन A1 A2 हो तो मूलधन बराबर A1 का स्क्वायर बटा A2, यहां देखे तो कोई मूलधन पी है जो 2 वर्ष में 4500 और 4 वर्ष, तो यहां से 4 वर्ष, तो यहां से तो 2 वर्ष हुआ, तो समान समय अंतराल हो गया, तो ऐसा स्थिति में पी बराबर हो जाएगा A1 के स्क्वायर, यानी 4500 के स्क्वायर, तो 4500 × 4500 अब बटा A2 6750। देखते हैं किस किस में दम है, इसको काट के आंसर देना कोई बड़ा बात नहीं है, मेरे जितने भी शेर शेरनी हमसे पढ़ रहे हैं दिल से 100% सेकेंडों में कमेंट करेंगे, इसका आंसर काट छाट के आप कमेंट करिए, लेकिन याद रखिए 2 अलग अलग मिश्रधन दिया रहे चक्रवृद्धि ब्याज में, तो मूलधन बराबर समान समय अंतराल हो तो मूलधन बराबर A1 के स्क्वायर बटा A2, पहला मिश्रधन के स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन, काटिए छाटिए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए अगला, फिर से वही स्टार वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एक धान, मान लीजिए एक धान पी है, जो तीन वर्ष में कितना हो रहा है? तीन वर्ष में हो रहा है 13,380, और छः वर्ष में, तो बोले सर यहाँ से छः वर्ष, तो यहाँ से अब तीन वर्ष ना बचा, क्योंकि शुरू से तीन वर्ष हो ही गया, तो यहाँ से तीन वर्ष ना, छः वर्ष में हो रहा है 20,070। तो बोल रहा है वह धान क्या है? तो बोले सर अभी तो आप बताए, दो अलग अलग मिश्रधन समान अंतराल में रहे, तो मूलधन बराबर A1 के स्क्वायर बटा A2, पहला मिश्रधन के स्क्वायर, तो 13,380 गुना 13,380 बटा A2 कितना है? 20,070। काटिए, चलो मैं यहाँ पे काट ही देता हूँ, काटिएगा तो एक सुना से एक सुना तो कटेगा, और काटें, ये कितना है 8 और 3 11 और 4 15, तो निश्चित है 3 से कटेगा, तो 3 से काट दो, 3 चौका 12 बचा एक, 3 चौका 12 बचा एक, 6 3 18, क्लियर? आगे बढ़िए, तो 3 से इसको भी काटेंगे, क्योंकि 3 से ऊपर काटे हैं तो 3 से काटिए, 6 3 18 दो बच गया, 6 3 18 दो बच गया, 9 3 27। बोलिए सर एक बात बोले, ऐसा करते हैं ना, ये 100, ये 223 से ये दो बार में कट जाएगा, 223 दूनी 446 आई 223 दिया 669, होता है ना जी, एकदम माइंड काम करेगा, पढ़ते रहिए, दो बार में कट जाएगा 223 से ही तीन बार में कट जाएगा, एक ही संख्या से कट गया, बाकी तो कैसे काटे। अब 3 से इसको काट देते हैं, 3 चौका 12 3 चौका 12 6 3 18 0, अब गुना कर दीजिए, गुना करिए तो 0 6 2 12 के 2 बचा कितना 1, 44 2 88 1 89 89 20, ऑप्शन आ गया 89 20, ऑप्शन नंबर सी। तो कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी होता नहीं, हम लोग डरते हैं, बस फार्मूला याद रखेंगे कि समान समय अंतराल में अलग अलग मिश्रधन दिया रहा है, तो मूलधन बराबर पहला मिश्रधन का स्क्वायर बटा दूसरा मिश्रधन, अब आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, ये सुपर स्टार आपके लिए ऑफर धमाका देते हैं, क्योंकि वह सेम है। क्या बोल रहा है? एक वर्ष में 650 और दो वर्ष के अंत में 676, तो अंतराल एक का वर्ष का न हो गया जी, तो A1 के स्क्वायर बटा A2 करिए, और ये VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए सुपर स्टार, टाइप हुआ चेंज तो हम भी अपना एक्सेलेटर दबाते हैं और तेजी से इसको उड़ाते हैं। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि, दो वर्ष में 1460 रुपये तथा तीन वर्ष में 1606 रुपये ब्याज की दर। अब यहां पे बंदा फंस जाता है, लेकिन मैं आपको इसके लिए भी पॉइंट बताता हूं और नोट बताया भी था, क्या कि दो कर्मागत, कर्मागत मतलब लगातार दो वर्ष तीन वर्ष का मिश्रधन दिया रहे, तीन वर्ष चार वर्ष का, चार वर्ष पांच वर्ष का, पांच वर्ष छह वर्ष का, छह वर्ष सात वर्ष का, 15 वर्ष 16 वर्ष का, या 20 वर्ष 21 वर्ष का, या 25 वर्ष 26 वर्ष का, दो कर्मागत वर्षों का मिश्र धन, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, दो कर्मागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे तो पहला मिश्रधन को मूलधन मानते हैं, मूलधन मानते हैं, और SI के नियम से दर प्राप्त करते हैं। अब ये कौन सा पॉइंट हुआ? इतना लिखाने के मतलब एक के पॉइंट तो माइंड में सेट करना है, क्या कि दो कर्मागत वर्ष रहे, यहां तो दो ये तीन वर्ष दिया है, हो सकता है तीन वर्ष चार वर्ष पांच वर्ष छह वर्ष 16 वर्ष 17 वर्ष दे दे, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे चकरा जाते हैं कि बाप रे, एक दो वर्ष का तो CI मुश्किल होता है, 16 17 वर्ष कहां सोचे। लेकिन चुटकियों में बनने वाला ये क्वेश्चन है, देखिए दो वर्ष तीन वर्ष, देखिए कैसे बनता है, एकदम चुटकियों में, हॉट ट्रिक मैं बता रहा हूं, एकदम धड़ाधड़ शेयर करना, आग के तरफ फैलाइए, बहुत सारे बच्चे अभी अनभिज्ञ हैं हमसे, ठीक है ना, इसलिए आपका काम है फैलाइए। कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि दो वर्ष में 1460 हो जाता है, दो वर्ष में 1460 हो जाता है, मतलब 1460 दो वर्ष का मिश्रधन हो गया, हो जाता है मतलब मिश्रधन, और तीन वर्ष में 1606 हो जाता है। तो बोले सर दो वर्ष का मिश्रधन, तीन वर्ष का मिश्रधन, देखिए तो दोनों कर्मागत वर्ष हो गया। कर्मागत वर्ष किसको कहते हैं? जिसके बीच अंतराल एक वर्ष का है, लगातार वर्ष। तो दो कर्मागत वर्ष का मिश्रधन दिया रहे तो पहला वाला को मान लेते हैं अगले वाले के लिए मूलधन, और वैसे भी CI मेरा पढ़िए तो उसमें स्पेशल हम डिफिनेशन लिखा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन उसके अगला वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज जुड़ता है।
तो इसलिए ई मूलधन हो गया, लेकिन कई वर्ष के लिए, मात्र एक वर्ष के लिए, इस जो भी बढ़ा एक वर्ष में इससे बढ़ा हुआ एक वर्ष का ब्याज हो गया। अब एक वर्ष का एस आई सी आई दोनों तो समान होता है, इसलिए तो लिख दिया कि एस आई के नियम से दर प्राप्त कर लेंगे। तो कितना बढ़ा? तो बोले सर यदि आप जोड़िएगा यहाँ से यहाँ का तो 146 बढ़ा है। कितना बढ़ा? 146। तो डायरेक्ट दर बराबर, चूंकि एस आई क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना बढ़ा? 146 गुना 100 बटा मूलधन कितना है? 1460। कई वर्ष में? एक वर्ष में। एक दीजिए चाहे नहीं दीजिए, डायरेक्ट 146 बटा 1460 गुना 100 काटिए, 146 आंसर आ गया 10%। लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। एक बार फिर से सिखाते हैं। दो कर्मागत वर्षों का मिश्रण दिया रहे, कर्मागत लगातार, तो पहले वाला को मूलधन मानेंगे, जितना बढ़ेगा उसको ब्याज ऊपर, मूलधन नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। तुरंत टकाटक आंसर लाओ, कितनों वर्ष रहे? दो कर्मागत वर्ष रहना चाहिए, आगे भी मिलेगा। यहां 10% हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए सेम क्वेश्चन पिछला जैसा ही चुटकियों में उड़ाते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर चार वर्षों में कितना हो जाती है? 38-40, तो चार वर्ष का मिश्रण हो गया, और पांच वर्षों में हो जाती है 39-36। तो बोलिए सर इसका मतलब इसको हम मूलधन मान लेते हैं अगले वर्ष के लिए, है तो ये मिश्रण लेकिन सिर्फ अगला वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो कितना बढ़ा? तो बोले सर 6 में 0 गया 6, 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 8, तो 38 में से 38 गया 0, 96 बढ़ा। कितना बढ़ा? 96। तो 96 ब्याज हो गया। तो दर बराबर ब्याज 96 गुना 100 बटा मूलधन कितना? 38-40 गुना एक वर्ष, दीजिए चाहे नहीं दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, काट दीजिए, उड़ा दीजिए, 0 से 0 काट देते हैं, 96 से 4 बार में आप काट सकते हैं इसको, और 2 से 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5/2 को 2.1/2% या तो 2.5%, जैसा ऑप्शन वैसा आंसर, 2.5% ऑप्शन नंबर ए। अब तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अब आएगा असली मजा, 5-स्टार क्वेश्चन आया किस्त वाला, जिसका आपको इंतजार था, आप डर रहे थे कि सर सीआई में किस्त, इसको बिल्कुल हॉट ट्रिक ऑप्शन से बनाने वाले हैं, और हम अपने असाइनमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया, जो पढ़े होंगे उन्हें पता भी होगा। वैसे तो इसका फुल कॉन्सेप्ट भी वहां दिया, लेकिन यहां सिर्फ हॉट ट्रिक ही बताऊंगा, डरने की कोई जरूरत ही नहीं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है, 21,000 रुपये का ऋण लिया, कितना परसेंट? 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर। हर वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी? 2 वर्षों में ऋण का भुगतान कर रहा हूँ, मतलब 2 वर्ष है, कई वर्ष है, 2 वर्ष। तो बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, यही पूछना चाह रहा है, प्रत्येक किस्त का मान। एकदम हॉट ट्रिक, गर्मा गर्म ट्रिक बता रहा हूँ, देख लो एकदम। करना क्या है? एस आई में तो सीधा 100-100 मान के किस्त वाला बता दिए थे, सी आई में करना क्या है कि दर कितना है? 10%। परसेंट को काटिए, बटम 100 हो गया, 100 से 100 कट गया, 1/10। यदि मूल राशि दिया हुआ है, जो ऋण आप उधार लिए वो दिया हुआ है, और पूछ आपसे क्या रहा है प्रत्येक किस्त, तो नीचे वाला से 1 बार जोड़ना है, प्रत्येक किस्त दिया और मूल राशि पूछ रहा है तो 2 बार जोड़ना है, तो 10 × 11/10 हो जाएगा, नीचे जो है लिख देते हैं। अब इससे कटना चाहिए, इससे जो कट गया जो ऑप्शन, वही हम लोग का आंसर होना चाहिए। अब सवाल ये हो सकता है कि सर यदि नहीं कटे तो 90% क्वेश्चन में ऑप्शन से ही बन जाता है, ऐसा कुछ में रेयर के साथ है, जिसके लिए फुल कॉन्सेप्ट मैं सीआई वाला असाइनमेंट में दे ही चुका हूं। तो यहां पे देख लीजिए 11 से कौन ऑप्शन कट रहा है, तो बोले सर 1200 तो नहीं कट रहा है, 12200 नहीं कट रहा है, 12300 नहीं, एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर बी। कितना? 12100, यही 11 से कट रहा है। बोले सर 2 ऑप्शन कटेगा तो, 2-3 ऑप्शन कटेगा तो छट जाएगा राशि में, जैसे देखिए 21,000 है, एगो 11 से कटे वाला दे देगा, जानते हैं कितना? 21,000 से बड़ा, 21,000 से जस्ट छोटा, तो 21,000 को जब 2 किस्त में बांटना है तो 21,000 के आधा कितना होता है? 10,500, तो 10,500 से 1-2 हजार ऊपर नीचे ना हो सकता है जी प्रत्येक किस्त का मान, तो ऐसे भी आप छाट लीजिएगा। वैसे तो एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए ये भी 5-स्टार क्वेश्चन है, एकदम हुबहू सेम, मैंने दोनों टाइप का ले लिया, वहां पे उधार ली गई राशि दी हुई थी और प्रत्येक किस्त पूछ रहा था, ऑप्शन से बनाए, यहां भी ऑप्शन से बनाएंगे, यहां प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है
उधार दी गई राशि पूछ रहा है। बोला है कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% से 5% प्रति 17,640 रुपए की दो वार्षिक किस्त, यहां प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ है, प्रत्येक किस्त कितना है 17,640, प्रत्येक किस्त दो वार्षिक किस्त चुकाई गई, उधार ली गई राशि कितना है, राशि बराबर व्हाट और कई किस्त में है, दो किस्त में। तब बोले यार कि सर जी ज्यादा दिमाग लगाना कहाँ है, आप तो सीधे बताएं, दो वर्ष रहे, तीन वर्ष रहे, ऑप्शन से। यदि मूल राशि या उधार दी गई राशि दिया हुआ प्रत्येक किस्त पूछ रहा है तो एक बार जोड़ना है, जैसे 5% है तो परसेंट काटेंगे, नीचे 100, 5 एकाएं 5, 5 100, 1/20 जोड़ेंगे एक बार तो 21/20। यदि सिर्फ प्रत्येक किस्त पूछता तो इतने चेक करते हैं किस से कौन कट रहा है, लेकिन किस्त दिया हुआ है मूल राशि पूछ रहा है तो दो बार जोड़ेंगे, 20 और 21 कितना होगा तो 41/20। 41 से जो ऑप्शन कटेगा वही हम लोग का आंसर होगा। देख लीजिए 41 से कौन कट रहा है, तो बोले सर थोड़ा बड़ा बड़ा है, 41 से कटने वाला कौन है वो चेक कर लीजिए, क्या 32,500 है, क्या 41 से कटेगा तो चेक कर लीजिए ना, 41 है ना जी, 8 से कितना है 32,500 ना है, कितना से हमें काटना है 41 से, तो 32,800 तो 32,800 है, तो 8 × 8 = 32 कट गया, देखिए ना 8 × 8 = 32, 41 से यही तो कट रहा है। बोले सर और कोई नहीं कट रहा, नहीं कटेगा, आप चेक करके देख सकते हैं, यही एक ऑप्शन कट रहा है, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यदि एक आगो आप कटवो करेगा तो इतना ज़्यादा या कम रहेगा जो ऐसे ही छट जाएगा, मतलब कि 90% क्वेश्चन में ऐसा होगा, बहुत रेयर केस में अलग होता है। तो दोनों चीज आप सीख गए, एक बार कब जोड़ेंगे ऊपर वाला से, जब प्रत्येक किस्त का मान निकालना जो कटेगा आंसर, दो बार कब जोड़ेंगे जब मूल राशि या उधार दी गई राशि निकालना, ऊपर वाला से जो कटेगा वही आंसर, पहला ऑप्शन ही कट गया हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट दो क्वेश्चन है और बड़ा ही मजेदार है, 4-4-5 जय स्टार दे दीजिए, कम ही है इसके लिए। इस प्रकार के प्रश्न कोई सीआई पढ़ाया भी होगा यूट्यूब पर तो आपको नहीं बताया होगा, आप घबरा जाते हैं 7 वर्ष 9 वर्ष देके सीआई में, 27 वर्ष 28 वर्ष देके सीआई में, लेकिन देखिए यहाँ चुटकियों में कैसे हम लोग इसको तोड़ते हैं अपने अंदाज में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा एप्लीकेशन है आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस, इसको आप जरूर इंस्टॉल करें, प्ले स्टोर से आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस लिखे या लिंक भी दिया हुआ है, उस पर बहुत सारे फ्री पीडीएफ और डेमो क्लास भी है, और परचेज करके सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो वैसा क्लास भी आपको मिलेगा। बाकी यूट्यूब पर तो धुआं धुआं कर ही रहे हैं, जिन विद्यार्थियों के पास अभी भी एग्जाम में 20 दिन 25 दिन या 1 महीना टाइम है, आप 199 का कोर्स परचेज करके पूरा यूथ वाला मैथ का सॉल्यूशन धुआं धुआं कर दे तो एक भी क्वेश्चन CBT 1 CBT 2 या ग्रुप डी में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। बहुत सारे बच्चे अपना अनुभव भी शेयर कर रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन उनसे बन रहा है, और बाकी तो यूट्यूब पे धुआं धुआं कर रहे हैं। तो आइए देखें लास्ट दो क्वेश्चन, बड़ा ही मजेदार धमाकेदार है। कह रहे हैं 39,03 रुपया को, 39,03 रुपया को ए और बी में बांटना है। देखिए कितना आसान से हम आपको बताते हैं, इस प्रकार विभक्त किया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर से 7 वर्ष के अंत में ए, ए का 7 वर्ष है 4% है, ए 9 वर्ष के अंत में बी, ये क्या है इसका भी परसेंट 4 है लेकिन इसका 9 वर्ष है, तो इसका 7 वर्ष और इसका 9 वर्ष का भाग बराबर है, मतलब इसका 7 वर्ष का मिश्रण इसका 9 वर्ष का मिश्रण बराबर है, तो बी का वर्तमान भाग क्या है। तो कुछ ऐसा कर्तव्य करें कि ए और बी का रेशियो निकल जाए, ए और बी के जो राशि मिला है वर्तमान में मूलधन का रेशियो निकल जाए, कमाल हो जाएगा। उसके लिए ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि 7 वर्ष 9 वर्ष से इतना वर्ष का सीआई कैसे निकालेंगे। मैं आपको पहले ही बोला हूं कि आपसे आप हमसे जुड़े हैं तो एक एक मैथ आपसे थर थर कांपेगा, तो यहां देखिए कैसे थर थर कांपेगा। हाँ ट्रिक बताता हूं, ज्यादा दिमाग लगाइएगा, यूट्यूब पे आपको इसको लंबा करके बता दिया है बहुत सारा टीचर। देखिए कुछ नहीं करना है, हमें ए और बी का रेशियो निकालना है डायरेक्ट इस प्रकार के प्रश्नों में, क्योंकि ए और बी में बांटना है तो वही तो पूछ रहा है, बी का भाग क्या है या ए का भाग क्या है, यही ना पूछेगा जी। तो रेशियो निकालना है तो करना क्या है, तो बोले सर करना क्या है, कै परसेंट है 104%, ठीक है 104%, तो करना है क्या 100/104 100 और बटा 104
सौ और बटा 4% है तो 104। और इस 7 वर्ष ही 9 वर्ष का अंतर कई बरस के तो बोले सर 2 वर्ष के। कमाल हो गया और क्या, काट दीजिए 25 चौका 100, 26 चौका 104, ऊपर हो जाएगा 625, नीचे हो जाएगा 676 स्क्वायर। तो याद रखना चाहिए 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर, यानी ए अनुपात बी को लिखा जाए तो 625 अनुपात 676। तुलना गुना कर दो, क्या है 39.03 की तुलना 6 6 12, 25 76 हो जाएगा कितना 101, तो हो गया 1301। 39.03 की तुलना कितना से 1301 से, ए का भाग निकालना है 625 से, बी का भाग निकालना है 676 से, 676 काट दीजिए कई बार में तो 3 बार में कट जाएगा, 33 39 3 3 गुना करिए 6 18 के 8, 7 21 1 22 के 2 बचा दो, और 6 18 2 20, 228 हम लोग का आंसर होगा। ऑप्शन मिला लो ऑप्शन नंबर बी, इससे शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, इससे आसान क्या हो सकता है। अब यहाँ पे 7 वर्ष 9 वर्ष दे, 15 वर्ष 17 वर्ष दे या 25 वर्ष 27 वर्ष दे, अंतर तो 2 ही वर्ष का ना होगा। कुछ नहीं करना है, ए बी का रेशियो निकालना है, कोई भी राशि अपने आप में 100 100 ऊपर और नीचे 104, ठीक है, मतलब जिसका ज्यादा वर्ष का है उसमें दर जोड़ना है 100 104। कमाल हो गया, काट दिया, आ गया 625 अनुपात 676, तुलना गुना कर दी, इससे आसान क्या हो सकता है। जरूर धड़ाधड़ शेयर करिएगा, एक भी बच्चे वंचित नहीं रहना चाहिए, आग की तरह फैलाइए, आग की तरह हम वीडियो देंगे आपको डेली, हर चैप्टर को कवर करेंगे, एक एक चैप्टर आपके सामने थर थर कापेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 2028 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन, 7 स्टार क्वेश्चन 7 स्टार बना दिए इसको, तो बोलिए सर हम ही निपटा देंगे, क्योंकि अभी आप बताएं हुबहू सेम 27 वर्षीय 25 वर्षीय दो भाइयों के बीच 16,820 रुपये की राशि विभाजित की जानी है। उन्होंने अपनी अपनी राशि का 5% मतलब दो भाई है, पहला भाई दूसरा भाई, चलो भाई 5% दोनों के लिए दर 5.5%, मैं लिख रहा हूं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, और इनको 40 वर्ष की आयु होने पर बराबर राशि। तो बोले सर एगो है कई वर्ष का, 25 वर्ष का, एगो है 27 वर्ष का, तो 40 वर्ष का हो जाएगा दोनों, तो अभी तो अंतरवा वही रहेगा ना, दोनों के बीच अंतर तो वही 2 वर्ष रहेगा, ये तो हटने वाला है नहीं, तो करना क्या है। तो बोले सर 100 ऊपर 105 नीचे, और 2 वर्ष का अंतर है, 2 5 से तो कट ही रहा है, 25 100 21 5, यानी दोनों भाई पहला भाई दूसरा भाई का रेशियो 20 का स्क्वायर 400 और ये 441, बस यही तो कमाल है। अब तो तुलना गुना ही करना है, तो यहाँ पे कितना है राशि 16,820 रुपया, यही ना है, तो टोटल राशि की तुलना टोटल राशि से 448 निकालना क्या है, बड़े भाई का हिस्सा। तो बोले सर बड़ा भाई कौन हो सकता है, तो बोले सर 27 वर्षीय और 25 वर्षीय है, तो बड़ा भाई 27 वर्षीय होगा, तो बड़ा भाई शुरू वाला, ये 27 वर्षीय बड़ा भाई होगा, तो बड़ा भाई वाला है तो उधर वाला से गुना करेंगे, यानी कि दूसरा भाई से 441 से गुना कर दो, 841 से ही 2 बार में कट जाएगा, 20 बार में गुना करेंगे, 0 2 44 2 88, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 88 20 ऑप्शन नंबर सी। कहीं पर से कोई परेशानी हुआ है तो आप कमेंट करें, यदि बारीकी से कोई भी बच्चा जो कभी सीआई नहीं पढ़ा है वो भी 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेगा, गारंटी है सीआई को दौड़ा दौड़ा के मारेगा, और इससे बाहर किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, 90% क्वेश्चन इसी से आएगा। इसलिए लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए, अगले वीडियो को देने के लिए मजबूर कर देना चाहते हैं आप कि मैं ताबड़तोड़ आपको वीडियो दूं, तो आप लाइक जरूर करें, कमेंट करें, उत्साह बढ़ाते रहें, और धड़ाधड़ शेयर करें, 100K का टारगेट अपना स्टूडेंट पावर दिखाएं, और जरूर जल्द ही पूरा करें, ताकि मैं भी आप सभी के लिए संपूर्ण कंटेंट लाऊं, और यूट्यूब पे तहलका मचा देना है मिल करके। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।